हेलो हाय एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्ते राधे राधे जय श्री कृष्णा फटाफट बताओ एक बार आवाज आ रही है आप लोगों को फटाफट बताएं यार एक बार एन टी बैक एक्सरसाइज का सोल्यूशन कब आएगा अंजना द्विवेदी मैं रिकॉर्ड कर दूंगी पी ब्लॉक का जब कर दूंगी तो अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट वीक में फॉर श्योर आ जाएगा आई थैंक यू वेलकम बैक के लिए थैंक यू सो मच आई एम कम्प्लीटली फाइन युवराज थैंक यू आप लोग कैसे हैं जल्दी बताए भाई चलिए सब बढ़िया भाई पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तुम लोग हाँ मैम बहुत दिन बाद आई है बहुत बहुत आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया होगा चलिए स्टार्ट करें स्टार्ट करें सो so, आज हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करें बेटा जो आपका टर्म वन का एज पर सीबीएसई लास्ट चैप्टर है टर्म वन का नॉट द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री टर्म वन का लास्ट है ये उसके बाद हम आपके सैंपल पेपर जो आ रखे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और आपका टर्म टू का भी सिलेबस स्टार्ट कर देंगे स्लोली ग्रेजुअली बट टर्म वन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ठीक है सो so, बायोमोलिक्यूल्स में आज हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे आज हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम डायराइज करेंगे बट अभी मैं टर्म्स फैंसी टर्म नहीं यूज कर रही पहले पढ़ लेते हैं होती क्या क्या चीजें हैं सो so, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स सो so पहले बात करते हैं यार बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं क्योंकि ओब्वियसली बात है चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और इस चैप्टर में हमें काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं सो so, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके नेचुरली अकरिंग नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट सेल्स राइट ये आपके नेचुरली अकरिंग है बॉडी के अंदर नेचुरली अकरिंग है प्लांट्स में होते हैं एनिमल्स में है ह्यूमंस में है नेचुरली अकरिंग और कैसे कंपाउंड है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है ठीक है एग्जाम्पल हो गया आपका पॉलीसेकराइड पॉलिसेकर में हो गया आपका स्टार्च ठीक है सेल्यूलोस या आपका किसमें आ गया इसके अलावा हो गया आपका प्रोटीन्स ठीक है आपका न्यूक्लिक एसिड्स हो गए ये सारे के सारे आपके क्या है बायोमोलिक्यूल्स है बायोमोलिक्यूल्स वाइटमिन हो गए एंजाइम्स हो गए सारा का सारा आपका किस कैटेगरी में आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स में आ रहा है ठीक है अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करा गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नाम से समझ आ रहा है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बट ये डेफिनेशन सारे कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी तो कार्बोहाइड्रेट्स की अब जो करेक्ट डेफिनेशन है जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या डिफाइन करते हैं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव ठीक है यानी जो भी कार्बन होगी वो आपकी काइरल होगी कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा यानी डेक्सट्रोरोटेटरी डी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा यानी एल लीवोरोटेटरी तो ऑप्टिकली एक्टिविटी आपने पढ़ ली है पढ़ ली आपने हेलो एल्केन हेलो एरींस में सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी पोलीहाइड्रॉक्सी का मतलब क्या है एक से ज्यादा ओ ग्रुप होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन अब एल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बेटा एल्डिहाइड होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच और कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा होता है सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है सो एल डी हाइट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका कीटोन सो हमने बोला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे कंपाउंड जो ऐसी यूनिट देते हैं आपके हाइड्रोलिसिस पे हाइड्रोलिसिस पे अभी पूरे चैप्टर में यार कार्बोहाइड्रेट्स ही पढ़ना है स्ट्रक्चर बनाऊंगी तुमको डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी ठीक है सो ऑप्टिकली एक्टिव यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम्पल हो गया सेल्यूलोस ग्लाइकोजन स्टार्च जैसे की और एग्जाम्पल देती हूं ग्लूकोज जो आपका क्या होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है फ्रक्टोज फॉर्मूला इसका भी यही होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स पर बात क्या है कि जो ग्लूकोज है ग्लूकोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है यानी यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका कौन सा होता है एल्डिहाइड बट फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज फ्रक्टोज इसके अलावा आपका सुक्रोज अब सुक्रोज़ का फॉर्मूला होता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन अब सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज़ की जब हम क्या कैरी आउट कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो ये आपको एक मोल देता है बेटा ग्लूकोज का एक मोल किसका देता है ग्लूकोज का और एक मोल किसका देता है फ्रक्टोज का फ्रक्टोस का ठीक है सो आपका जो सुक्रोज है दैट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट क्योंकि ये हाइड्रोलिस पर ऐसे यूनिट दे रहा है जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है कीटोन है तो कार्बोहाइड्रेट्स हम क्या डिफाइन कर रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर इस तरह की यूनिट को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं क्यारा डिलीटेड पार्ट भी बता देना मैं बेटा पूरा ही पढ़ाऊंगी मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी क्योंकि हम सीबीएसई नहीं सारे बोर्ड्स को केटर करते हुए करेंगे है ना चलिए यहां तक नोट करें फटाफट से यहां तक अपनी कॉपी में नोट करें बेटा नोट साथ साथ बनाने हैं आपको साथ साथ ही बनाने हैं यहां तक नोट हो गया रवि कुमार कितने लेक्चर होंगे बेटा यार पढ़ाना शुरू नहीं होता तुम लोगों का ये शुरू हो जाता है ना कितने लेक्चर कब खत्म होगा कब तक पढ़ाओगे है ना बेटा पहली क्लास है फोर फाइव क्लास तो लगेगी ना फोर टू फाइव क्लास तो मिनिमम है यहाँ तक हो गया शीतल नोटेड अमेजिंग गर्ल डन पंकज शर्मा नाइस डन नोटेड मैम ओके चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कि अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं पहले ही लिख रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से आपको सवाल आ सकता है ठीक है चलिए सो so, हम कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली चार में क्लासिफाई करते हैं एनसीआरटी में तीन दे रखा है क्योंकि उन्होंने पॉलीसेकेराइड्स और ओलिगो मतलब डाइसेकराइड अलग से नहीं कर रखा उन्होंने कर रखा है मोनोसेकर ओलेगोसेकराइड्स और आपका पॉलीसेकेराइड्स अब होता क्या है हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या बुला सकते हैं सैकराइड क्या बुला सकते हैं आपका सैकराइड और सैकेराइड्स जो मिला है आपको वर्ड ये मिला हुआ है आपको सैकरन से जिसका मतलब होता है शुगर ठीक है शुगर बेसिकली स्वीट एंड टेस्ट स्वीट एंड टेस्ट तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी बुलाते हैं क्योंकि ये शुगर दे आर स्वीट एंड टेस्ट सो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को बोला सैकराइड और इसी बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं सैकरन वर्ड से आ रहा है सैकराइड सैकरन का मतलब क्या है शुगर स्वीट इन टेस्ट ठीक है So, सबसे पहला हम बोल रहे हैं बेटा मोनोसेकराइड मोनोसेक्राइड आपको नाम से समझ आ रहा है वन यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं यानी फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे फर्दर और कोई सिंपलर यूनिट नहीं देंगे ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है ऑलरेडी सिंपलेस्ट है इससे ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं होंगे सो नॉन हाइड्रोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स ये पानी के अंदर क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं इसके अलावा आपके जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उनको एल्डोसिस बोलते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है उनको क्या बुलाते हैं कीटोसिस बुलाते हैं कीटोसिस ठीक है एग्जाम्पल अगर मैं मोनोसेकर में आपसे पूछूं तो एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लूकोज ये एक है इसके अलावा आपका फ्रक्टोस यानी फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा फर्दर और कोई यूनिट नहीं देगा आपको गैलेक्टोज राइबोज ये सारे के सारे आपके कैसे हैं बेटा मोनोसेकर यानी नॉन हाइड्रोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स, जो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर आपको और यूनिट नहीं देंगे नहीं देंगे ये सिंपलेस्ट है ज्यादा हाइड्रोलिस और कोई सिंपलर यूनिट नहीं देंगे एग्जाम्पल गैलेक्टोज राइबोस ये सारे के सारे आपके कैसे हैं मोनोसेक्राइड मोनोसेक्टराइड यानी सिंपलेस्ट यूनिट एक यूनिट फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके और सिंप्लीफाई नहीं होंगे हाइड्रोलिसिस का मतलब है बेटा पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस पानी वाटर के साथ यहां तक नोट करें मोनोसेकराइड्स यहां तक नोट करें मोनोसेकर तक नोट हुआ हां बेटा जो मेडिकल वाले हैं उन्होंने चैप्टर इलेवेंथ में पढ़ रखा है बट जो मैथ्स वाले हैं जो जेई ओरिएंटेड है या नॉन मेडिकल है उनके लिए चैप्टर थोड़ा नया है क्योंकि टेंथ तक के बाद आप बायो नहीं पढ़ते हैं चलिए। नेक्स्ट चले नोट हो गया तक। चलिए अब ये बेटा कुछ आपके मोनो हैं, मोनोसेकर अब थोड़ा ध्यान से समझना यार ठीक है यहां पर ये जो है आपके ये एल्डोसिस है एल्डोसिस का मतलब क्या है जो फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा होगा आपका एलडी कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा एलडी हाइट एल्डोट्रायोस का मतलब है तीन मेंबर होंगे एल्डोटेट्रोस का मतलब कितनी कार्बन होंगी चार कार्बन होंगे जिसमें से एक एल्डी फंक्शनल ग्रुप की होगी एल्डो पेंटोस यानी एलडीहाइड होगा और पांच कार्बन पेंटोस वाली शुगर होगी एल्डोहेक्स का मतलब क्या है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और कितनी टोटल कार्बन कितनी होगी छह कार्बन होगी ये टेबल आप नहीं भी बनाओगे कोई बात नहीं एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है बस ये समझाने के लिए है कि एल्डोसिस क्या होते हैं कीटोसिस क्या होते हैं ठीक है सो एल्डो ट्रायोस तीन कार्बन टोटल टेट्रोस चार कार्बन पेंटोस पांच कार्बन एल्डोहेक्सोस छह कार्बन और सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा होगा कौन सा होगा आपका एल्डीहाइड ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस बता रहा है कार्बन का नंबर बता रहा है चलिए एग्जाम्पल ट्रायोस में वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज योर ग्लिसहाइड ठीक है एल्डो टेट्रोस में एरिथ्रोस एंड एल्डो पेंटोस में आता है आपका अरेबिनोस राइबोसाइलोजो और एल्डो एल्डोहेक्सोस में तो आपका ये ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज आइडोस एल्ट्रोस हमें मेन यहाँ पे ग्लूकोज ही पढ़ना है एल्डो एल्डोहेक्स में यानी जहां पर छह कार्बन हो और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो वहां पे हमें ग्लूकोज पढ़ना है ऐसे ही आपका अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कीटोसिस कीटोसिस का मतलब है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा होगा आपका कीटोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा आपका कीटोन ये भी आपका क्लासिफाई हो जाएगा कीटो कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस कीटो हेक्सोस। बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा होना चाहिए कीटोन होना चाहिए कीटोन होना चाहिए बेटा जनरल फॉर्मूला लिखे तो है यही सबके लिए होगा सबके लिए होगा अब आपका अगर राइबोज है तो राइबोस का फॉर्मूला होगा सी फाइव एच टेन ओ फाइव ग्लूकोज है तो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है

फंक्शनल uh, ग्रुप के अकॉर्डिंग किस किस में आप क्लासिफाई करते हो क्लासिफाई करते हो ठीक है मैं एक uh, का स्ट्रक्चर बना देती हूँ वैसे मैं स्ट्रक्चर अभी कराऊंगी यार कराऊंगी बट ठीक है कोई बात नहीं क्या आपका सीएचओ ये एच ये ओ OH. एच ये हो गया आपका सी एच टू ओ एच ठीक है ये हो गया आपका सी एच टू ओ एच एक यहाँ पे दूसरी कार्बन या तीसरी तो अगर मैं नंबर नहीं भी लिखूंगी अंडरस्टूड है वन टू थ्री ठीक है तीन कार्बन के लिए ट्राई आएगा यहां पर फंक्शन देखे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा एल्डिहाइड का एल्डिहाइड का तो ये किस में क्लासिफाई होगा आपका एल्डो ट्रायोस किसमें क्लासिफाई होगा आपका एल्डो ट्रायोस एल्डो फॉर एल्डिहाइड ट्रायोस क्योंकि कितनी कार्बन आ रही है आपकी तीन तीन कार्बन कार्बन आ रही है तीन कार्बन. और एक ने बिल्कुल सही कहा अश्मित चौधरी ने दैट दिस इज फिशर प्रोजेक्शन जो अभी हम बनाएंगे बनाएंगे राइट right? बनाएंगे हम सारे स्ट्रक्चर करेंगे बेटा ग्लूकोज का कैसे आया स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्रक्टोज का कैसे है पढ़ेंगे आराम से है ना अभी तो स्टार्ट करा है, स्टार्ट करा है, सबर करें ठीक है सो so इस तरह से है आपका एल्डोट्रायोस एल्डोटेट्रोस एल्डोपेंटोस एल्डोहेक्स ऐसे ही कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तीन कार्बन है कीटोट्रायोस कीटोटेट्रोस कीटोपेंटोस कीटोहेग्जोस हमें ग्लूकोस और फ्राक्टोज पढ़ना है ग्लूकोस और फ्रक्टोस पढ़ना है ठीक है चले आगे चले मोनोसेकराइड so, के बाद आता है आपका disaccharide. Disaccharide का नाम से मतलब समझ आ रहा है तुमको ये वो कार्बोहाइड्रेट है बेटा जो हाइड्रोलिसिस पर कितनी यूनिट्स देगा टू मॉलिक्यूल्स या टू यूनिट्स देगा मोनोसेकर के मोनोसेकर के एग्जाम्पल हो गया केन शुगर जिसको हम और क्या बुलाते हैं हमारा सुक्रोज ठीक है और क्या हो गया आपका माल्टोज लैक्टोज ये सारे आपके किस में आते हैं डाई में जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं ये होता है आपका सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ ये आपका क्या है दिस इज योर सुक्रोज ठीक है हाइड्रोलिसिस का मतलब है मैं यहां सब कर देती हूँ जब लिखी दिया हाइड्रोलिसिस का मतलब है बेटा किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा वॉटर की प्रेजेंस में होगा वॉटर की प्रेजेंस में होगा ठीक है अब यहां पर जब सुक्रोस का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये दो यूनिट देता है की और वो जो दो मोनोसेकराइड्स देता है जो फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते बट सुक्रोज हो सकता है ये हाइड्रोलिस दो यूनिट देता है वो दो यूनिट आपकी होती है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यानी एक तो देता है आपको ग्लूकोज प्लस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दिस इज योर फ्रक्टोज फ्रक्टोज ठीक है So, आपका ये कैसा होता है डाइसे नाम से मतलब समझना है यानी ये हाइड्रोलिस पे आपको कितनी यूनिट्स देगा दो यूनिट्स देगा दो यूनिट्स दो मोनोसेकेराइड देगा ठीक है सो so, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है ये एल्डोहेगोस है वो एल्डो की, वो कीटोहेक्सोस है ये एल्डोहेगोस है दैट इज कीटोहेक्सोस या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वहां कीटोन फंक्शनल ग्रुप है चलिए अब आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स में क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलिसिस पर 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स दे सकते हैं तो डाइसेकेराइड्स एनसीईआरटी ने ओलिगो में ही क्लासिफाई कर रखा है ओलिगो में ही कर रखा है बट क्योंकि हमें डाइसेकेराइड भी सिलेबस में पढ़ने हैं अच्छे से पढ़ने हैं सो हमें डाइसेकेराइड में तीन पढ़ना है सुक्रोस माल्टोज और लैक्टोज उनके स्ट्रक्चर हमको डाइसेकेराइड में करने इसीलिए मैं डाइसेकेराइड अलग से करा रही हूँ ठीक है ऑलिगोसेकेराइड्स हाइड्रोलिसिस पे आपको दो से लेकर दस के बीच में क्या दे सकते हैं मोनोसेकेराइड्स दे सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल रैफेनोज ठीक है रैफेनोज हाइड्रोलाइसिस पर रैफेनोस हाइड्रोलाइसिस पर आपको क्या क्या देता है ग्लूकोज प्र और क्या देता है गैलेक्टोज गैलेक्टोज ठीक है सो रैफेनोज को मैं और एक नाम से लिख सकती हूं बेटा आई कैन कॉल रैफेनोज एज माई ट्राई जल्दी बोलो यार बताओ जरा क्या मैं रैफेनोस को ट्राइसे बोल सकती हूँ ओलिगो तो है ही ओलिगो तो है ही क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर कितने यूनिट्स दे रहा है तीन यूनिट्स दे रहा है तीन यूनिट्स दे रहा है मुझे ये बताएं जरा रेफेनोस को हम बोल सकते हैं कैन वी से इट एज ट्राई जल्दी बताओ जल्दी बोलो भाई बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं रैफेनोज कैन बी कॉल्ड एज ट्राइसेकर बिकॉज ये हाइड्रोलिसिस पे आपको कितने कार्बोहाइड्रेट्स कितने मोनोसेकर दे रहा है तीन मोनोसेकर दे रहा है सो so, रेफेनोज आपको ग्लूकोज देता है फ्रैक्टोज देता है गैलेक्टोज देता है सो so, रैफेनोज एक तो है ही ओलिगो तो है ही क्योंकि ओलिगो ओलेगोहाइड्रोलिस पे दो से लेकर दस तक आपका क्या दे सकता है मोनोसेकर दे सकता है बिकॉज़ तो पे ये कितने दे 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 रहा 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 है? है, है, यूनिट्स यूनिट्स और आखरी आपका मिल रही होंगी तो ये कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकर देते हैं हाइड्रोलिस पर और इस तरह के हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बुलाते हैं पॉलीसेकर जैसे कि आपका स्टार्च अमाइलोज सेल्यूलोस ये सारे के सारे आपके पे क्या देते हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स देते हैं, सो दे आर कॉल्ड योर चलिए, सो अगर हम सिंप्लीफाई करके बिल्कुल बोले कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को किस किस में क्लासिफाई करा तो हमने में क्लासिफाई करा मोनोसेकर सेकर ओलेगोसेकेराइड्स और किसमें करा पॉलीसेकेराइड्स मोनो जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता सिंपलेस्ट एक यूनिट दे सकता था वो उसने दे दी एक सिंपलेस्ट ही था डाइसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस पे कितनी यूनिट्स देगा दो ओलेगोसेकेराइड्स हाइड्रोलाइसिस पे कितने यूनिट्स देगा टू टू टेन और पॉलीसेकेराइड्स हाइड्रोलाइसिस पे बहुत सारी यूनिट्स देता है बहुत सारी सो so, यहां तक नोट करें फटाफट से वेरी नाइस वेरी नाइस अमोल यादव आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन मैम माल्टोस क्यों नहीं होता कहां पर माल्टोस क्यों नहीं होता वे चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं शुगर अब शुगर को भी हम अभी पढ़ेंगे दो में क्लासीफाई करते हैं तो शुगर में हम क्या बोल रहे हैं जो आपके अच्छा ठीक है पहले पढ़ लेते हैं तो जो आपके मोनोसेकराइड हैं और एलेगोसे होते हैं या आपके क्रिस्टलाइन होते हैं पानी के अंदर सल्यूबल होते हैं और टेस्ट में टेस्ट में कैसे होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट स्वीट इन टेस्ट ठीक है सो इनको हम कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं शुगर बुलाते हैं शुगर बुलाते हैं जैसे कि आपका ग्लूकोज फ्राक्टोज सुक्रोज ये सारा का सारा आपका किस में आ रहा है शुगर के अंदर आ रहा है सो शुगर बेसिकली आपके कौन से होते हैं एंड क्रिस्टलाइन है पानी के अंदर है और आपका टेस्ट में कैसा होता है स्वीट इन टेस्ट होता है इसीलिए हम इनको क्या बुला रहे हैं शुगर्स बुला रहे हैं शुगर्स तो ग्लूकोज फ्रक्टोज आपका मोनोसेकर हो गया सुक्रोज ओलिगो में ही आ जाएगा डाइसेकर होता है इसके अलावा ये नोट करके लिख लें नोट बनाकर लिख लें जितने भी जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स जितने भी पॉलीसेकराइड्स होते हैं वो आपके नॉन शुगर्स होते हैं नॉन शुगर्स यानी वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते तो आपके एंड आपके कैसे होते हैं शुगर्स दे आर स्वीट इन टेस्ट बट जो आपके पॉलीसेकर होते जैसे स्टार्च हो गया सेल्यूलोस हो गया ये आपके स्वीट इन टेस्ट नहीं होते नहीं होते सो so हम क्या बुलाते हैं नॉन शुगर नॉन शुगर चलिए अब ये शुगर जो होती है वो आपकी और दो तरह की होती है फर्स्ट इज रिड्यूसिंग सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें होता 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 है 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 या या फिर क्या होता है? Free ketonic group होता है. या तो उनका group जो है functional group, वो फ्री होना चाहिए या जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री होना चाहिए ताकि ताकि ये रिड्यूस कर सके फेलिंग सोलूशन को या फिर किसको रिड्यूस कर सके आपके टॉलेंस रिएजेंट को टोलेंस रिएजेंट को या आपका बेटा एल्डिहाइड्स एंड में LDHs, अभी हम इस पर नहीं आ रहे थोड़ा बहुत आई एम वेरी श्योर वेरी श्योर सो रिड्यूसिंग शुगर बेसिकली नाम से समझे जो आपके टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं और जो आपके रिड्यूसिंग शुगर है उनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप होगा फ्री कीटोनिक ठीक है इनको हम कैसी शुगर बुलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर तो जितने भी आपके मोनोसेकराइड है जितने भी मोनोसेकराइड है यानी कि आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं रिड्यूसिंग शुगर होते हैं रिड्यूसिंग अब आते हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग उल्टा हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा यानी इन कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होगा ये आपके फेलिंग सोल्यूशन को या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इन शुगर्स को हम क्या बुला रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज इस पर सवाल आता है सवाल आता है तो इसमें मैं स्टार बना रही हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है तो सुक्रोज आपकी कैसी होती है बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग इसके अंदर एडी या कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो फ्री नहीं होता लिंकेज हो रखी होती है वो बाद में देखेंगे ही सुक्रोज so, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है टॉलेंस टेस्ट नहीं देता फेलिंग टेस्ट भी नहीं देता इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता नहीं होता ठीक है यहां तक क्लियर है बेटा फेलिंग और टॉलेंस टेस्ट टेस्ट होते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन टेस्ट होते हैं ये अब ये हाइड कीटोन वाले चैप्टर में है तो अभी बायोमोलिक्यूल्स में तो आपसे नहीं पूछेगा ना कि फेलिंग्स टेस्ट क्या है या टेस्ट क्या है जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे वहां चलिए अब एक बार जरा पूरी समरी कर रहे हैं कि अभी तक हमने क्या क्या बातें डिस्कस करी हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस करा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है सो so कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्या डिफाइन करे थे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो कैसे होंगे आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कैसे होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या फिर वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस पर इस तरह की यूनिट्स थे इस तरह की यूनिट्स थे कार्बोहाइड्रेट्स को ही हमने एक और नाम दिया क्या नाम दिया हमने इनको सैकराइड्स सैकराइड्स फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को इड्रोलिसिस के बेसिस पर किस किस में क्लासिफाई करा जल्दी बोले भाई सबसे पहले किस में करा हमने मोनोसेकर फिर हमने किस में करा डाई फिर हमने किसमें करा ओलेगोसेकर और आखिरी वाला हमने कौन सा करा था आपका पॉली सेकराइड पॉली राइट वेरी नाइस वेरी नाइस अब मोनोसेकर नॉन हाइड्रोलाइजेबल है नॉन हाइड्रोलाइजेबल ठीक है यानी ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं जाते फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं जाते एग्जाम्पल में हमने क्या बोला ग्लूकोज फ्रक्टोज आपके मोनोसेकर ऑन हाइड्रोलिसिस कितनी यूनिट्स देंगे आपको टू यूनिट्स देंगे टू यूनिट्स देंगे या दो मोनोसेकर देते हैं दो मोनोसेकर देते हैं यहां पर हमने एग्जांपल कौन सा करा आपका सुक्रोज ठीक है इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल कर लिया आपका लैक्टोज माल्टोज या आपके क्या होते हैं डाइसेकर चलिए फिर हमने कौन सा करा बेटा ओलेगोसेकराइड ओलेगोसेकराइड्स हाइड्रोलाइसिस पर कितनी यूनिट्स देते हैं टू टू टेन यूनिट्स टू टू टेन यूनिट्स, टू टू टेन यूनिट्स

इसके अलावा आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सेल्यूलोज क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सेल्यूलोज इसके अलावा यहीं पर मैं बात करूं शुगर के बेसिस पर तो मैंने बोला को हम क्या बुलाते हैं नॉन शुगर नॉन शुगर दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट ठीक है तो आपकी शुगर्स में कौन सी आती है मोनोसेकराइड और ओलिगोसेराइड यानी मोनो ओलिगो सारा आ जाएगा पॉलीसेक्राइड किस में आता है नॉन शुगर में यानी दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट नॉट स्वीट इन टेस्ट चलिए उसके बाद हमने शुगर को फिर हमने शुगर को क्लासिफाई करा शुगर में हमारा क्या क्या आ रहा है ऑल ऑल डाइ आपका ठीक है तो शुगर को हमने फर्दर दो में क्लासिफाई करा रिड्यूसिंग और किसमें क्लासिफाई करा आपका नॉन रिड्यूसिंग किसमें क्लासिफाई करा आपका नॉन रिड्यूसिंग ठीक है रिड्यूसिंग शुगर में हम क्या बोल रहे हैं शुगर में आपके क्या क्या आ रहे हैं बेटा सारे के सारे मोनोसेकर इसको और कितना शॉर्ट में लिखू और आपके सारे के सारे क्या आ रहे हैं ओलेगो सैक्राइड ओलेगो तक लिख रही हूं समझ जाना समझ जाना ठीक है रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है यहां पर क्या प्रेजेंट होगा फ्री एलडी या फिर फ्री कौन सा ग्रुप होगा कीटोनिक ग्रुप क्या होगा Free फ्री एलडी या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप नॉन रिड्यूसिंग में नॉन रिड्यूसिंग डू नॉट हैव नॉन रिड्यूसिंग शुगर डो नॉट हैव फ्री है और फ्री कीटोनिक ग्रुप यानी यहां पर एल्टीहाइड्रिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होता फ्री नहीं होता इसके अलावा जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर है रिड्यूसिंग शुगर जो है दे रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट दे रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन भी बोल सकते हैं ठीक है और जो आपके ये वाले हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर दे डू नॉट नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट रिड्यूस या डू नॉट गिव डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट And Fehling's solution, and Fehling's solution. ठीक है तो ये आपका डिफरेंस हो गया इसके अलावा आप बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की एग्जाम्पल की ठीक है सो रिड्यूसिंग में हमने बोला कि जितने भी जितने भी हैं, जितने भी हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर और सिंपल यूनिट्स नहीं दे सकते यानी सारे किस में आते हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं और आपका सुक्रोज सुक्रोज किस में आता है बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ठीक है यहां तक नोट करें वैसे ये सब करा दिया आई एम जस्ट गिविंग यू अमरी हमने अभी तक इंट्रोडक्शन में क्या क्या करा है क्या क्या पढ़ लिया है ठीक है ताकि आपको याद भी साथ साथ होता जाए क्योंकि चैप्टर में याद करने की चीजें ज्यादा है मेडिकल वालों को तो फिर भी चीजें आसान लगेंगी क्योंकि उन्होंने ये पढ़ रखा है बट जो नॉन मेडिकल वाले उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आसान चैप्टर है बट but... थोड़ी टर्मोलॉजी ज्यादा है बायो थोड़ी ज्यादा है पर। ट्रिक टू लर्न, बेटा अभी याद करने के लिए इतना पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं बेटा ग्लूकोज की तो पहले पूरा ग्लूकोज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर रिएक्शन सारा का सारा फिर फ्रक्टोज़ करेंगे ठीक है चलिए ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर आपको फ्री स्टेट में भी मिलता है कंबाइन स्टेट में भी मिलता है इसके अलावा ये स्वीट फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है हनी के हाउ कैन वी प्रिपेयर ग्लूकोज ठीक है सो ग्लूकोज को, so, को सुक्रोज से प्रिपेयर कर सकते हैं ये रिएक्शन हम बार बार कर चुके हैं सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था बेटा इसका जब मैंने हाइड्रोलिसिस करा हाइड्रोलिसिस करा तो मुझे क्या मिलेगा जल्दी बताओ भाई ये तुमको अभी अभी पढ़ाया मैंने सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पर आपको क्या क्या मिलता है हमें क्या मिल जाएगा ग्लूकोज और क्या मिल जाएगा आपको फ्रक्टोज फ्रक्टोज ठीक है यस सो सुक्रोज़ बहुत इजीली अवेलेबल होता है जिसको हम केन शुगर भी बुलाते हैं क्योंकि शुगर केन में प्रेजेंट होती है जो हम घर पे यूज कर रहे होते हैं शुगर दैट इज योर सुक्रोज इट इज इजीली अवेलेबल तो सुक्रोज़ की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है ग्लूकोज और साथ में क्या मिल जाता है आपको फ्रक्टोज वेरी नाइस nice आशुतोष वेरी नाइस nice भूपेंद्र आशीष चौधरी वेरी नाइस nice. आशीष चक्रवर्ती नॉट चौधरी चक्रवर्ती वेरी नाइस nice या वेरी नाइस nice. चलिए सो so, एक तरीका है सुक्रोज के हाइड्रोलोसिस करके ग्लूकोज ऑफ फ्रक्टोज़ सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड इज स्टार्च स्टार्च ठीक है सो so, कॉमर्शियली जब हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है तो ग्लूकोज इज ऑप्टेन बाय हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च अब स्टार्च आपका क्या था बेटा स्टार्च पॉलीसेकराइड। पॉलीसेकराइड, ठीक है सो so अब स्टार्च का फॉर्मूला होता है जनरल आपका सी सेक्स एच टेन ओ फाइव सी एच टेन ओ फाइव होल एन ये आपका क्या हो गया दिस इज योर स्टार्च स्टार्च का फॉर्मूला क्या है C6H10O5 होल n क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पॉलीसेकेराइड है बहुत बड़ा यूनिट होगा आपका अब इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका जब हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यहां से मुझे H+ आयन मिल जाएगा टेंपरेचर आपका कितना होता है 393 केल्विन इसके अलावा प्रेशर होता है आपका टू टू थ्री एटमोस्फेयर का टू टू थ्री एटीएम एटीएम इज एटमोसफेयर एटमोसफेयर ठीक है सो so, स्टार्च के हाइड्रोलिस हाइड्रोलिसिस पर आपको मिलता है सिर्फ ग्लूकोज सिर्फ क्या मिलता है ग्लूकोज एन यूनिट्स और यहां पर भी क्या आ जाएगा एन आ जाएगा ठीक है तो स्टार्च के हाइड्रोलिस पर एन वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे टू गेट एन C6H12O6 अब एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है देखो C6H10O5 में जब H2O ऐड होगा तो C6 दो हाइड्रोजन और ऐड हुई तो 12 हो जाएगी 10 से 2 ऐड करोगे 12 पांच ऑक्सीजन थे एक और ऑक्सीजन हुई तो कितनी हो जाएगी 6 तो फॉर्मूला आ गया C6H12O6 एन यूनिट्स एन वॉटर विल गिव यू एन ग्लूकोज एन ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा ग्लूकोज और इससे क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज ही मिल रहा होता है तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड है टू प्रिपेयर ग्लूकोज टू प्रिपेयर ग्लूकोज सो ग्लूकोज को हम दो तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं या तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से शुगर की हाइड्रोलिसिस से केन शुगर की हाइड्रोलिसिस से या फिर किससे प्रिपेयर कर रहे हैं स्टार्च की हाइड्रोलोसिस से यहां तक नोट करें फटाफट से एन बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत बड़ा है ना स्टार्च एन तो गिनती नहीं है खत्म ही नहीं होता पॉलीसेकेराइड है हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स मिलती है यहाँ पे हंड्रेड्स हंड्रेड्स बहुत सारी बहुत सारी एन लिख देती हूँ एन यहाँ पे सिर्फ क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स यहां तक नोट हो गया एक बोल रहा है एन ईटा जैसा लग रहा है क्या हो गया तुम्हें समझ आना चाहिए यार चलिए अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे यहां से मेन चीजें स्टार्ट हो रही हैं मेन चीजें है, ठीक है सो ग्लूकोज इज एल्डोहेगोस एल्डोहेगोस क्यों बोला क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और कितनी कार्बन होती है ग्लूकोज के अंदर सिक्स कार्बन होती है तो उसको क्या बुलाते हैं इसके अलावा इसको डेक्स्ट्रोस भी बुलाते हैं डेक्स्ट्रोस भी डेक्स्ट्रो इसीलिए आता है क्योंकि जो आपका ग्लूकोज होता है वो पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को किसमें रोटेट करता है राइट right में क्लॉक में इसीलिए हम इसको बुलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी स्मॉल डी से इसके अलावा इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च स्टार्च एक पॉलीमर है बहुत सारी यूनिट्स है स्टार्च का मोनोमर क्या हो गया आपका ग्लूकोस, ग्लूकोस। ऐसे ही सेल्यूलोस का भी मोनोमर क्या होता है आपका ग्लूकोस होता है पॉलीमर की सिंपलेस्ट यूनिट क्या होती है मोनोमर मोनोमर सिंगल यूनिट इसके अलावा इट इज प्रोबेबली मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ ठीक है अब हमें कैसे पता लगा कि भाई ग्लूकोज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है हमें ठीक है अब हुआ क्या कि बहुत सारे एविडेंस हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारी चीजें हुई और वहां से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चल पाया एग्जैक्ट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ठीक है सो so डेक्सट्रोस का मतलब मैं लिख देती हूं अगर किसी को याद ना रहे सो so डेक्सट्रोस का मतलब है कि ये कैसा होता है आपका डेक्सट्रो रोटेटरी कैसा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ठीक है यानी ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होता है क्लॉकवाइज में पीपीएल को कहां पे रोटेट करता है क्लॉकवाइज में डेक्सट्रो के लिए हम प्लस साइन डिनोट करते हैं लीवो के लिए लीवो रोटेटरी के लिए हम माइनस साइन डिनोट करते हैं माइनस ठीक है अब हुआ क्या पहले के टाइम पर जो मशीन होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री उससे ग्लूकोज का फार्मूला पता लग गया सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और इसका मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास पता लग गया कितना हो जाएगा इसका ग्लूकोज का 180U. इतनी हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक होती है लैब के अंदर तो उससे हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास मिल गया मॉलिक्यूलर मास मिल गया अब था कि भाई ग्लूकोज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे पता करें कि जो अगर ग्लूकोज के अंदर छह कार्बन है C6 सिक्स ये कार्बन जुड़ी कैसे हुई है क्या ये क्लोज स्ट्रक्चर है क्या ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है क्या यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखी है कैसे पता लगेगा तो सबसे पहले अब क्या हुआ एक्सपेरिमेंट्स होना स्टार्ट हुए अलग अलग चीजें हुई एक बोल रहा है सेल्यूट टू एक्सपेरिमेंट अफकोर्स अफकोर्स चीजें ऐसे पता थोड़ा ना चलती है सो so, अब पहली चीज क्या हुई एक्सपेरिमेंट्स में कि जब हमने ग्लूकोज को मैं ग्लूकोज का बेटा देखो जनरल फॉर्मूला कैसे लिख रही हूं सी एच ओ सी एच ओ तो समझ आ रहा होगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी होता है पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे क्या होंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये है सी एच टू ओ एच ये है आपका ग्लूकोज बट अभी मुझे ये नहीं पता कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार कार्बन पर किस तरह से है हाइड्रोजन लेफ्ट में है कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन राइट में होगा ओ OH. ये अभी नहीं पता अभी नहीं पता हमें इतना पता है कि ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, है और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ऑप्टिकली एक्टिव है और रोटेटरी है तो सी एच ओ सी एच ओ एच होल फोर सी एच टू ओ एच ये ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ठीक है अब हमने क्या करा ग्लूकोज को किससे हीट कराया एच आई की प्रेजेंस में हीट कराया ठीक है जब हमने ग्लूकोज को एच आई की प्रेजेंट में एच आई क्या होता है आपका हाइड्रो है आयोडिक एसिड है? या हाइड्रोजन है आयोडाइड तो जब आपने ग्लूकोज को एच आई की प्रेजेंस में हीट कराया तो देखा गया कि हेक्सेन बना हेक्सेन क्या हो जाएगा आपका बेटा सी एच थ्रू पहले हेक्सेन समझते हैं सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू और फिर क्या आ जाएगा सी एच थ्री एनजेन एन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल का मतलब होता है जब सारी कार्बन कैसे जुड़ी होती है इन स्ट्रेट चेन इन स्ट्रेट चेन तो यहां से मुझे पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर जो छह कार्बन है वो सीधी चेन में जुड़ी हुई है यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पे कोई क्लोज चेन का स्ट्रक्चर नहीं है तो पहले एक्सपेरिमेंट से जब देखा गया कि ग्लूकोज को हीट करा एच ही आई के प्रेजेंस में तो क्या मिला एनहेक्सेन जिसने क्या इंडिकेट करा ऑल सिक्स कार्बन आर अटैच्ड इन अ स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन में जुड़ी हुई है यहां तक समझ आया है पहले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा ये थ्योरी पढ़ लेना अपने आप सिक्स कार्बन एटम्स आर अ स्ट्रेट चेन यहां तक नोट करे एक बार हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा यहां तक नोट करें यहां तक नोट करें यहां तक लिख लिया सबने चलिए सो मॉलिक्युलर फॉर्मूला हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता लग गया सी सिक्स एच और मोलिकुलर मास पता लग गया वन एटी फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा एच आई में हीट करके हेक्सेन बना यानी ऑल द सिक्स कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ना स्ट्रेट चेन लीनियर चेन चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा अब देखो जरा थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि अभी आपने एल कीटोन की टोन पता नहीं कुछ ने हो सकता है पढ़ लिया हो कुछ ने हो सकता है ना पढ़ा हो तो अब देखिए जरा ये आपका एल्डिहाइड वाली कार्बन थी फर्स्ट फिर आपके पास क्या प्रेजेंट था सी एच -OH ओ एच होल फोर ध्यान से समझना बेटा और ये था सी एच टू ओ एच ये आपका क्या था सी एच टू ओ एच ठीक है अब अगर मैं इसकी रिएक्शन ही तो है अपना ही तो है हमारा सो so, अगर हमने ग्लूकोज को रिएक्ट कराया विद हाइड्रोक्सिल अमीन अब आपका जो हाइड्रोक्सिल अमीन है बेटा इसका फॉर्मूला होता है एन टू ओ क्या फॉर्मूला होता है एन टू ओ तो हाइड्रोक्सिल अमीन को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको ऐड करके दिखा रही हूं क्योंकि मुझे यहां पर एलिमिनेट होते हुए आपको चीजें दिखानी है ठीक है तो ये मेरा क्या है हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्सिल अमीन है ना एन एच टू ओ OH एच ओ एच हाइड्रोक्सिल अमीन है अब जब आपकी रिएक्शन होती है ग्लूकोज और हाइड्रोक्सिल अमीन की तो यहां पर देखिए जरा मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूं अभी रिएक्शन तो आप पढ़ लोगे यहां से क्या निकल जाता है वॉटर निकल जाएगा वॉटर क्या हो जाएगा एलिमिनेट होगा जब वॉटर एलिमिनेट होगा तो आपके पास क्या बचेगा बेटा वहां पे देखो सी एच तो एज इट इज रहेगा डबल बॉन्ड भी एज इट इज रहेगा एन और क्या आ गया आपके पास ओ OH, एच क्या आ गया आपके पास ओ OH, एच और यहाँ पे क्या आ गया सी एच OH ओ एच का होल फोर और इधर क्या आ गया सी एच टू वेट OH. क्या आ गया आपके पास CH2OH और आपके पास ये क्या बन गया इसको क्या बुलाते हैं ऑक्साइन क्या बुलाते हैं ऑक्साइन ठीक है अब ये वाला रिएक्शन ये इंडिकेट कर रहा था ये रिएक्शन ये इंडिकेट कर रहा था कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है अब कार्बोनिल में एल्डिहाइड है या कीटोन है वो अभी हम कंफर्म करेंगे बट इस रिएक्शन ने ये इंडिकेट करा कि जो आपका ग्लूकोज है उसके पास क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप है कार्बोनिल होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ अब वो एल्डिहाइड हो जाएगा अगर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ी होगी और अगर कार्बन कार्बन होगी तो वो कीटोन होगा वो अभी हमें कंफर्म करना है कंफर्म करना अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर पता करना पता करना कि क्या होता है सो वेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सलमीन आपको क्या मिलता है ऑक्साइन जो क्या कंफर्म कर रहा है कि आपके पास ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप दूसरा एक और रिएक्शन करा गया एक और रिएक्शन करा गया अगेन देखें ये हुआ आपका C डबल बॉन्ड O एच एल इधर हुआ सी एच ओ एच और यहां पे हुआ सी एच टू ओ एच क्या हुआ आपका सी एच टू ओ एच अब इसका रिएक्शन अगर मैं एच सी एन के साथ कराऊ सी एन क्या होता है आपका हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है आपका हाइड्रोजन साइनाइड अब जरा ध्यान से देखें कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर कैसा चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यहां पर कैसा आ गया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा ठीक है तो आपका हाइड्रोजन जो होगा हाइड्रोजन वो यहां पर आ जाएगा और ये सी एन वाला ग्रुप यहां पर जुड़ जाएगा यहां पर जुड़ जाएगा जल्दी बोलो यार तो यहां पर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये देखें जरा सी एच तो एज इट इज रहेगा इधर तो आ गया ओ OH, एच इधर क्या आ गया आपका ओ OH? एच और इधर क्या आ गया आपका सी एन ध्यान से देखो यार ये कार्बन ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव क्यों आया क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आया कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आया एच सी एन में जो एच था एच था उसने जाके कहा अटैक करा ऑक्सीजन के साथ तो वहां पे क्या बन गया ओ एच और यहां पर सी एन ने कहा पर अटैक करा कार्बन पे कार्बन पे तो वहां पे सी एन हो गया उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा सी एच ओ एच होल्फो और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच और ये भी आपका ग्लूकोज तो ग्लूकोज जब एच सी एन के साथ रिएक्ट कर रहा है एच सी एन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है साइनोहाइड्रिन क्या मिल रहा है साइनोहाइड्रिन अगेन ये रिएक्शन भी क्या कंफर्म कर रहा है कि आपके पास ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कौन सा है आपका कार्बोनिल ग्रुप है कार्बोनिल अभी पता करेंगे कि वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है बट अभी ये तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या है ठीक है यहां तक नोट करें सो थर्ड एक्सपेरिमेंट ने हमें यह बता दिया कि आपके ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फोर्थ फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ जो आपका ग्लूकोज था ग्लूकोज क्या था सी एच ओ एडीआई सी एच ओ एच होल फोर और क्या था आपका सी एच टू ओ एच जब इसका रिएक्शन कराया ब्रोमीन वॉटर के साथ ब्रोमीन वॉटर इज बी आर टू वॉटर ठीक है जो आपका कैसा एजेंट होता है इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ग्लूकोज से ग्लूकोज से जो ये एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो ये जो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सी एच ओ में ऑक्सीडाइज हो गया आपका सीओओ बाकी सारा सेम रहता है सी एच ओ एच होल फोर और सी एच टू ओ एच और इस एसिड को क्या बुलाते हैं बेटा ग्लूकोनिक एसिड क्या बुलाते हैं ग्लूकोनिक एसिड तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था ग्लूकोज के अंदर वो कौन सा वाला था एल्डिहाइड वाला था एल्डिहाइड कि जब हमने इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कराया रिएक्ट कराया तो एल्डिहाइड वाला डायरेक्टली किसमें ऑक्सीडाइज हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में और क्या बन जाएगा आपका ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड यहां तक नोट करें फोर्थ एक्सपेरिमेंट मॉर्निंग से हमें सारे एक्सपेरिमेंट याद करने होंगे आपको रिएक्शंस बेटा करने होंगे रिएक्शंस आपको करने होंगे ग्लूकोज के जो एक्सपेरिमेंट के रिएक्शंस है ये आपको आने चाहिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था एसिटाइलेशन ये पढ़ आप लेना आप ही के लिए सी एच ओ सी एच ओ एच होल्ड फोर सी एच टू ओ एच ठीक है जब हमने इसको ट्रीट कराया विद एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइट का फॉर्मूला होता है बेटा सी एच थ्री सी ओ होल ट्वाइस O ठीक है एसिटिक एनहाइड्राइट जो दो एसिटिक एसिड में से वाटर रिमूव कर दोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइट मिलता है सो so, जब आपने ग्लूकोस को ट्रीट कराया विद एसिटिक एनहाइड्राइट तो यहां पर क्या हुआ ये समझे जरा तो यहां पर आपका सी एच ओ ठीक है यहाँ पे आपका बना सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री का होल फोर और सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री यानी कि यहां पर आपको मिला पेंटा एसिटेट क्या मिला पेंटा एसिटेट यानी एसिटेट ग्रुप कितनी बार 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 आया आया पांच पांच चार बार इधर चार बार इधर पांचवी बार इधर पेंटा एसिटेट तभी मिलेगा आपको जब आपके ग्लूकोज के अंदर कितने ओएच OH ग्रुप होंगे पांच ओएच ग्रुप होंगे पांच ओएच ग्रुप होंगे तो पेंटा एसिटेट जब बना जब आपने ग्लूकोज का रिएक्शन किससे कराया एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन कराई जब आपने तो देखा गया पेंटाएसिटेट बना पेंटाएसिटेट ने क्या करा कंफर्म confirm करा कंफर्म्स कंफर्म्स प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ ऑफ ग्रुप्स कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंफर्म कर दिए इस रिएक्शन में पांच ओ एच ग्रुप कंफर्म करे तो अभी तक हमें ग्लूकोज के बारे में क्या क्या चीजें पता लगी छह कार्बन स्ट्रेट चेन में है कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है आपका एल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अलावा हमें क्या पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर कितनी ओ एच OH है आपकी पांच ओ OH ग्रुप है फाइव ओ OH ग्रुप है यहां तक नोट करें यहां तक नोट करें फिफ्थ एक्सपेरिमेंट तक फिर सिक्स एक्सपेरिमेंट पे चले चले लास्ट एक्सपेरिमेंट और हुआ अब लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ हमारे पास अब क्या है हमें एक चीज और है जो ग्लूकोज के बारे में अभी नहीं पता चल पाई पांच वेज ग्रुप पता चले बढ़िया बढ़िया एकदम ये था मेरा ग्लूकोज ये था मेरा ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड क्या था मेरा सीओओ सी एच ओ एच ओलफोर सी एच टू ओ एच ये मेरा क्या था ग्लूकोनिक एसिड ठीक है अब हमने क्या करा इन दोनों कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करा दोनों कंपाउंड्स का क्या करा ऑक्सीडेशन करा इसका भी ऑक्सीडेशन करा और इसका भी ऑक्सीडेशन करा ठीक है जब ऑक्सीडेशन करा ग्लूकोज का तो ऑब्वियस सी बात है मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए होगा क्योंकि जब मैं ब्रोमीन वाटर यूज कर रही थी तो ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हो रहा था ग्लूकोनिक एसिड में ग्लूकोनिक एसिड में तो हमने क्या करा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए आपका ले लिया डाइल्यूट एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री सो यहां पर देखा गया कि जो कंपाउंड बना ये वाला फंक्शन ग्रुप तो सी ओओ एच में ऑक्सीडाइज हो गया सी एच ओ एच होल फोर बट ये वाला जो सी एच टू ओ एच ग्रुप था ये भी किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो गया सी ओ ओ एच के अंदर किस में ऑक्सीडाइज हो गया सी ओ ओओ एच के अंदर और ग्लुकोनिक एसिड में यार ये वाला तो ऑलरेडी था ही ऑलरेडी था ये वाला ग्रुप यहाँ पे भी किस में ऑक्सीडाइज हो गया सी ओ एच के अंदर सीओ के अंदर इस रिएक्शन ने क्या कंफर्म करा कि आपके ग्लूकोज के अंदर कैसी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है एक प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल समझ आता है OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही और कार्बन से जुड़ी होगी तो ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ी होगी यानी ये वाला जो अल्कोहल है ये कैसा है आपका प्राइमरी अल्कोहल वन डिग्री अल्कोहल और इस एसिड को क्या बुलाते हैं बेटा एसिड क्या बुलाते हैं इसको ठीक है सो ग्लूकोज का जब हमने ऑक्सीडेशन करा विद स्ट्रॉन्ग एजेंट तो ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया और वन डिग्री अल्कोहल वाला भी डायरेक्टली किसमें ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हमने ग्लूकोनिक एसिड को ऑक्सीडेशन करा तो ये तो और क्या ही ऑक्सीडाइज होगा पर यहाँ पे ये वाला जो अल्कोहलिक ग्रुप था जो प्राइमरी अल्कोहलिक वाला ग्रुप था ये भी किसमें ऑक्सीडाइज हो गया सीओ एच के अंदर दोनों से आपको सेम कंपाउंड मिला सैकरिक एसिड जिसने क्या कंफर्म करा कि यहाँ पर जो ग्लूकोस के अंदर एक ओ एच ग्रुप है वो कौन सा वाला है आपका प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल यहां तक नोट करें फटाफट से नोट हो गया यहां तक चले अब आते हैं एग्जैक्ट अरेंजमेंट पे कि स्पेस के अंदर स्पेस का मतलब है जो आपका थ्री डी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट ग्लूकोज का कैसा था जो एच और ओ एच ग्रुप है वो कैसे जुड़े हुए थे और इस प्रोजेक्शन को फिशर एक नाम था साइंटिस्ट का जिसने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे आई थिंक न्योर अबाउट 18 स्ट्रक्चर्स बनाए थे इसने फिशर प्रोजेक्शन बनाई थी जिनमें से एक सही थी जिसने आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करा था सो so, हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी दैट इज योर फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज फिशर प्रोजेक्शन में जरा बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए सी एच ओ ये पहली फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से होती है आपकी हो गया आपका सी एच टू ओ एच अब जरा कार्बन को नंबर करें वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये वाली कौन सी हो गई सिक्स हो गई सिक्स हो गई तो यहां पर आप देखें जरा H OH, OH, H फिर H और OH, H और OH. ये आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज और यहां पर जो ग्लूकोज है आपका वो इस तरह से लिखा जाता है डी फिर ब्रैकेट में लिखा जाता है प्लस और फिर ग्लूकोज अब आता है कि ये कैपिटल डी क्या डिनोट करता है कैपिटल डी तो कैपिटल डी क्या डिनोट करता है जो आपका लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होती है लास्ट या फिर आप कह लो कायरल कार्बन जो होती है उसमें अगर आपका ओ OH, एच अगर ओ OH एच आपका कहां पे होता है राइट right में होता है राइट right में तो उसको बुलाते हैं कैपिटल डी कैपिटल डी और अगर ओ एच OH लेफ्ट में होता है तो उसको क्या बुलाते हैं कैपिटल एल कैपिटल एल और प्लस मैं दो चीजें लिख रही हूं बेटा प्लस या डी स्मॉल एल या माइनस इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी दो अलग चीजें हैं ये और ये वाला आपका क्या होता है लीवो रोटेट्री लीवो रोटेटरी ठीक है स्मॉल डी या प्लस स्मॉल एल या माइनस ये ऑप्टिकल एक्टिविटी डिनोट करता है कि जो आपका कंपाउंड है प्लेन पोलराइज लाइट जब आप पास कराओगे उस सोल्यूशन से अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करे तो वो कैसा रोटेटरी होगा आपका लीवो रोटेटरी लीवो रोटेटरी ठीक है एक चीज तो ये होती है इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है ये से आ रखा है बेटा थोड़ा सा और ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे है। अब हम बोल रहे हैं यहां पर ध्यान से देखना है आपको ये वाला ग्रुप खाली इतने पे ध्यान देना है आपको अगर आपका ओएच राइट में है ओएच राइट में है तो आप क्या लगाएंगे कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी और ये ग्लिसर का स्ट्रक्चर है तो इसको बुलाते हैं हम डी ग्लिसर डी ग्लिसी हाइड यानी यहां पर जो ओएच OH ग्रुप है सिमेट्रिक लास्ट जो आपकी सिमेट्रिक कार्बन है लास्ट वाली ठीक है जो भी लास्ट ए सिमेट्रिक कार्बन होती है अगर उसमें ओएच OH राइट पर आ रहा है तो कैपिटल डी और अगर ओएच OH आपका लेफ्ट में आता है उल्टे हाथ पर आता है तो हम क्या बुलाते हैं इस वाले को कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल और फिर क्या हो जाएगा ये आपका ग्लिसरल So, हमने बोला कि जो ग्लूकोज है ग्लूकोज है एक तो वो कैपिटल डी है कैपिटल डी क्योंकि इसकी जो लास्ट एसिमेट्रिक या लास्ट कायरल कार्बन जो है कायरल कार्बन जो लास्ट ऑप्टिकल एक्टिव वाली कार्बन है जहां पे भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो है उसमें ओ OH राइट पर है तो कैपिटल डी क्योंकि ग्लूकोज आपका कैसा होता है डेक्सट्रो रोटेटरी तो उसके लिए मैंने कौन सा साइन लगा दिया प्लस साइन लगा दिया और क्या लिख दिया ग्लूकोज तो डी प्लस ग्लूकोज हमेशा ध्यान रखना है बेटा स्मॉल डी और कैपिटल डी ये सेम चीजें नहीं है ये अलग अलग चीजें हैं अलग अलग स्मॉल डी स्मॉल एल डेक्सट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी कैपिटल डी कैपिटल एल आपके ओएच की पोजीशन बता रहा है ओएच OH अगर राइट पर है तो कैपिटल डी ओएच अगर लेफ्ट पर है तो कैपिटल एल कैपिटल एल यहां तक नोट करें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहां तक नोट करें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बॉक्स में कर देते हैं इसे डा यहां तक नोट कर लिया अब बात है कि कुछ ऐसे एविडेंस मिले हमें जिसने ये बताया कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है यानी ग्लूकोज सारा का सारा ओपन चेन में नहीं है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है क्लोज स्ट्रक्चर भी है तो डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोस शिफ्ट टेस्ट नहीं देता इसके अलावा ग्लूकोस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बताता बनाता मतलब जब हम ग्लूकोस का रिएक्शन करते हैं NaHSO3 के साथ तो वो एडिशन प्रोडक्ट नहीं बताता नहीं बना पाता इसके अलावा जो पेंटाएसिटेट ग्लूकोस का बन रहा था वो हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता जिससे ये पता लगा कि फ्री सी एच ओ ग्रुप पूरी तरह हमेशा फ्री नहीं है हमेशा फ्री नहीं है इसके अलावा ग्लूकोज दो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है हमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज अल्फा फॉर्म वाली जो ग्लूकोज है उसका 419 मेल्टिंग पॉइंट होता है जो आपको ग्लूकोज का ही सल्यूशन कॉन्सेंट्रेट करके मिलता है और बीटा वाले का 423 केल्विन होता है जो आपको क्रिस्टलाइज़ करके मिलता है फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड ग्लूकोज तो अब हम बोल रहे हैं कि भाई ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप फ्री इंडिकेट कर रहे हैं कुछ रिएक्शन ये शो कर रहे हैं कि जो सी एच ओ ग्रुप है वो फ्री नहीं है फ्री नहीं है इसके अलावा देखा गया कि नेचर के अंदर जो ग्लूकोज मिल रहा है वो भी दो अलग फॉर्म में मिल रहा है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज तो ये देखा गया ये चीजें प्रूव हुई कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमेशा ओपन नहीं है हमेशा ओपन नहीं है तो वहां पे देखा गया कि ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर भी बन रहा होता है क्लोज स्ट्रक्चर और फिर बनाया गया ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर यह आप एनसीआर से पढ़ लेना इसमें नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा नई खुशी आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट नहीं याद करना अल्फा और बीटा ग्लूकोज का है चलिए सो ग्लूकोज का जरा क्लोज स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हमें वो समझना है ध्यान से समझना बेटा ये था आपका सी एच ओ उसके बाद था आपका एच ओ एच ओ H एच 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 OH और एच ओ एच और यहां पर क्या था आपका सी एच टू ओ एच यह आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है दिस इज योर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ठीक है अब देखा गया कि ग्लूकोज दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है। so, जो आपका फर्स्ट वाला और फिफ्थ कार्बन है वहां पर रिएक्शन हो रहा होता है क्लोज चेन बन रही होती है अब वो जो क्लोज चेन बन रही होती है वो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है आपको तो अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह से दिखाऊं, सी डबल बॉन्ड ओ और इधर एच है ठीक है मैंने एल वाले फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिखा दिया आपको फर्स्ट और फिफ्थ में क्लोज चेन स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है ग्लूकोज का सी ठीक है अब यहां पे क्या होता है ये वाला एच इधर अटैक करा तो ओ OH, एच वाला हाइड्रोजन आपका एजट ये वाले एच इधर ओ OH, एच और जरा ध्यान से देखना है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाकी चीजें सेम लिख दो एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच अब इधर से आपका क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा यारो भी इधर से हटा देते हैं ठीक है यहां से एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है और इधर सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच तो ये हुआ आपका वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ठीक है ये एक हुआ एक बोल रहा फ्रक्टोज आज नहीं पढ़ाइएगा देख लेंगे बेटा क्यों इतना लोड ले रहे हो लाइफ में ग्लूकोज हो जाए तो फ्रक्टोज कर लेंगे टाइम बचा तो कर लेंगे वरना नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे दूसरा फॉर्म पहले मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं बट ये अलग कलर से बनाएंगे हम अब यहीं पर देखिए एक तरीका और था कि जब ये वाली एच अटैक कर रही है ओ पर तो हो सकता है ओ एच लेफ्ट में हो हो सकता है ओ एच लेफ्ट में हो और एच राइट में हो बाकी सारा हो एच ओ एच ओ एच एच ये वाला भी सेम है एच ओ एच इधर वाला एच भी सेम है यहां से क्लोज रिंग बना दें साइक्लिक बना दें और ये हो गया आपका सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच अब ध्यान देने वाली चीज पहले मैं अभी एक दो सवाल पूछ लू तुमसे ये वाला स्ट्रक्चर बेटा जहां पर फर्स्ट कार्बन पर ओ OH एच राइट में है राइट में यह वाला होता है आपका अल्फा. अगर मैं ग्लूकोज का पूरा नाम लिखूं तो ये कौन सा वाला था डी प्लस ग्लूकोज तो ये वाला हो जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और ये वाला जहां पे आपका ओएच OH लेफ्ट हैंड साइड पर है लेफ्ट में इस वाले को बुलाते हैं बीटा डी ग्लूकोज क्या बुलाते हैं बीटा डी ग्लूकोज ठीक है सो so ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज ये ओपन स्ट्रक्चर था ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स हैं तो देखा गया कि ग्लूकोज कुछ परसेंटेज में ओपन चेन स्ट्रक्चर में है और कुछ परसेंटेज में कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर अब थोड़ी सी बातें ध्यान देनी है यहां पर कि मैंने ये जो टर्म्स यूज करी हैं अल्फा जब ओ OH एच राइट पर बीटा जब फर्स्ट कार्बन पर ओ OH एच कहां पर है लेफ्ट में डी वाला टर्म कब यूज कर रही थी मैं जब ओ OH एच लास्ट में काइरल कार्बन लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे ओएच राइट में था और यहां पे भी ओएच एच राइट में था तो उसके लिए हम कैपिटल डी यूज कर रहे थे और प्लस 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 क्यों यूज कर रही हूं क्योंकि ग्लूकोज कैसा होता है आपका डेक्सट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है पीपीएल को पीपीएल प्ल, 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 प्लेन पोलराइज लाइट अब तुम मुझे एक बात बताओ तुमको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस नोट हो रहा है क्या डिफरेंस समझ आ पा रहा है दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस आ रहा है जल्दी बताएं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है अरे डेक्सट्रो रोटेटरी तो दोनों है अल्फा और बीटा में स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर वाइज प्रेक्षा कत्याल ने लिखा है सीवन कार्बन डिफरेंट है आदित्य वर्मा ने लिखा है वन कार्बन पर ओ का पोजिशन अलग है राइट right? यहाँ पर देखो यार ये नीचे का सारा सेम है इधर भी यहाँ नीचे का सारा स्ट्रक्चर सेम है डिफरेंस रहा है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ओ OH राइट में है में और इधर फर्स्ट कार्बन पर ओ OH एच पर है लेफ्ट में है लेफ्ट में है बहुत बढ़िया परेक्षा ने आंसर भी दे दिया है अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस को हम क्या बुलाते हैं दे आर कोल्ड एज एनोमर्स क्या बुलाते हैं हम इनको एनोमर्स एनोमर्स वो होते हैं जो सीवन पोजीशन पर क्या करते हैं डिफर करते हैं कौन सी पोजीशन पर डिफर करते हैं बेटा C1 फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पर बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए शर्तें पूरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो आपका OH एक जगह राइट में एक जगह लेफ्ट में बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में रिलेशन क्या है दे आर एनोमर्स दे आर एनोमर्स क्योंकि इनमें सिर्फ डिफरेंस कहां पर आ रहा है सी वन पोजिशन पर एज ग्रुप का ओ ग्रुप का यहां तक क्लियर हो रहा है कि एनोमर्स क्या है एनोमर्स जल्दी बोले भाई तो हम इसकी प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर करें चले आगे अब बनाते हैं बेटा हैवर्थ प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन ग्लूकोज की आती है छह कार्बन है सो इट कम्स फ्रॉम पायरान से ठीक है सो so अब इसकी हैवर्थ प्रोजेक्शन देखनी है हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाने का बहुत आसान तरीका करेंगे कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए बस तुम अपनी कॉपी में और बोर्ड पे नजरें रखनी है क्योंकि मेरा पीछे वाली स्लाइड पर चला गया तो सबसे पहले ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो बेसिक स्ट्रक्चर बना लो यहां पर इस तरह से लाइन खींच लो ऐसे इधर भी लाइन खींच लें यहाँ तक कूल cool है मामला जल्दी बताओ भाई अब जरा मैं पहले देखो यार जब हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको हैवर्थ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं हैवर्थ ठीक है स्ट्रक्चर्स जो अभी हम कर रहे थे वो फिशर प्रोजेक्शन थी ये वाली आपके बेटा फिशर प्रोजेक्शन में ये वाला आपका कौन सा था ओपन चेन स्ट्रक्चर ये कौन सा था आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर बट जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है ये आपका तो कौन सा है दिस इज क्लोज चेन और ये वाला भी आपका कैसा है दिस इज ऑल्सो योर क्लोज चेन ये भी आपका कैसा स्ट्रक्चर था क्लोज चेन था ठीक है चलिए अब ध्यान देना बेटा जब इसको मैं हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करूंगी बस तुम ये ध्यान रखना जो तुम्हारे उल्टे हाथ पर है लेफ्ट में वो टॉप पर आएगा कहां पर आएगा टॉप पर और जो राइट में है वो कहां पर आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा तो अब जरा देखते जाना फर्स्ट कार्बन पर एच लेफ्ट में ओ एच राइट में है ध्यान से देखना मैं ये अल्फा वाला बना रही हूं अल्फा वाला ठीक है दोबारा देखो एच लेफ्ट में ओ एच राइट में है तो एच ऊपर ओ OH एच कहां पर आएगा नीचे ध्यान से देखना है बहुत आसानी याद करने की भी जरूरत नहीं है आप धीरे धीरे स्ट्रक्चर खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे चलो सेकंड कार्बन पर देखो फिर से एच लेफ्ट में है ओ एच राइट में है सॉरी तो यहां पर हुआ एच और ओ OH. एच तो मैं मार्क भी कर देती हूँ दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस इज फाइव ठीक है एच ओ एच एच ओ एच अब ओ एच ऊपर आएगा तो यहां पर देखे जरा ओ एच और एच फिर देखे जरा एच और ओ एच और फिर हो जाएगा इधर सी एच टू ओ एच और एच और ये आपकी कौन सी कार्बन हो जाएगी सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन कुछ नहीं करा बेटा लेफ्ट वाले को मैंने ऊपर लिखा राइट वाले को मैंने कहां पर नीचे लिखा नीचे ठीक है चलिए बीटा वाले का स्ट्रक्चर खुद ट्राई करना है आपको बीटा वाले का बीटा वाले का स्ट्रक्चर ट्राई करें आप खुद से ट्राई करें आप लिख सकते हैं चलिए बीटा वाले में देखो यार जरा सॉरी यहां पर देखो ओ एच लेफ्ट में एच राइट में है तो ओ एच ऊपर आएगा एच नीचे फिर एच ऊपर आएगा ओ एच नीचे इस तरह से लिखते जाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर में लिखूंगी तो ओ एच ऊपर एच नीचे फिर एच ऊपर ओ एच नीचे फिर अगर आप दोबारा देखेंगे फिर देखो जरा ओ एच और एच तो मैं पहले लिख लू यार इधर क्या आ जाएगा ओ एच इधर जाएगा? एच इधर आ जाएगा एच और ओ एच और इधर आ जाएगा सी एच टू ओ एच और यहां आ जाएगा एच नंबर भी कर लेते हैं ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव और ये कौन सी कार्बन हो गई सिक्स कौन सी कार्बन हो गई सिक्स बेटा इजी है ये बहुत इजी है अगर तुम इसको टफ बोलोगे तो फिर क्या करें बताओ याद करने के बजाय तुमको पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया ये हो जाएगा आपका अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज क्योंकि अब मैंने इसको पायरान फॉर्म के स्ट्रक्चर में लिखा है तो इसको क्या बुलाते हैं अल्फा अल्फा तो तुमको समझ ही आ रहा है क्यों बोल रहे हैं क्योंकि अल्फा वाले में ओ एच कहां पे था राइट में था राइट में था और ये वाला आपका कौन सा है बीटा डी ग्लूको पायरेनोज बीटा डी ग्लूको पायरेनोज इसके अलावा डिफरेंस काली यहीं पर आ रहा है डिफरेंस खाली सी वन पर आ रहा है तो ये दोनों आपस में कैसे थे यार? C1 पर आ रहा है OH नीचे इधर वाले में OH ऊपर है और H नीचे बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या है सेम है सेम है और इन दोनों में क्या रिलेशन आया था ये दोनों क्या थे हमारे एनोमर्स क्या थे हमारे एनोमर्स यहां तक क्लियर है जल्दी बोले यहां तक क्लियर है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तक यहां तक नोट करें हैवर्ड स्ट्रक्चर एक बोल रहा है कुमार साहेब की मैंने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था बायोलॉजी में अफकोर्स पढ़ा होगा बट अब सब गायब हो गया होगा तुम्हारा ये मुझे पक्का पता है चलिए सो so, आज की क्लास में बेटा हम इतना ही कर रहे हैं होमवर्क में आप सिर्फ एनसीआरटी से 412 से लेकर 416 की बजाय आप 415 तक पढ़ लेना क्योंकि मैंने फ्रक्टोज अभी नहीं पढ़ाया आज की क्लास में फ्रक्टोज में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी आपका ठीक है फ्रक्टोज में हमें बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं पढ़ना फ्रक्टोज का सिर्फ स्ट्रक्चर और हेवर्थ प्रोजेक्शन यानी ओपन चेन क्लोज चेन और हेवर्थ स्ट्रक्चर करना है दैट इज इट हमें फ्रक्टोज के रिएक्शंस नहीं पढ़ने नहीं पढ़ने ठीक है सो आप बस एनसीआरटी से बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का 412 से लेके आई थिंक 415 तक में ग्लूकोज हो जाएगा वो आप एक बार नेक्स्ट क्लास से पहले रीडिंग करके आएंगे करके आएंगे और सारे रिएक्शंस याद करके आएंगे ठीक है क्वेश्चन बेटा अभी कराया नहीं कुछ इतना पढ़ाया ही नहीं कि क्वेश्चंस कराऊं। नेक्स्ट क्लास में ग्लूकोज पे क्वेश्चंस करेंगे सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर